हेलो साथियों, हम लोगों ने भी स्नान करके शिव जी की पूजा अर्चना करी। यहाँ पर लेक के किनारे ये शिव जी का चार मुखों वाला छोटा सा स्थान बना हुआ है, जिसमें लोग झंडे त्रिशूल वगैरह गाड़ के रखे हुए हैं। हम लोगों ने भी पूजा अर्चना करके इसकी परिक्रमा करी। इस तरह से देखिए, आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करके अपनी पूजा पूरी करी। थोड़ा भीड़ है, लोग भक्ति मुक्का भी कर रहे हैं जल्दी पूजा करने के लिए। मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई है, शिव जी की, गणेश जी की, देवी की, उसकी सब पूजा कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पवित्र दृश्य, महेश पर्वत के नीचे स्थित इस प्रकार का कोई भी पूजन का स्थान अपने आप पवित्र हो जाता है। और यहाँ पर आए हुए लोगों को देखिए, कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है मणिमहेश पर्वत का। सूर्य काफ़ी ऊपर तक आ गया है। ये लेक जो सुबह हम लोग आए थे तो जमी हुई थी, इसके दूसरे के साइड से जब हम लोगों ने एंट्री करी थी तो अपने छाते से लेक के पानी को हम लोग ठोक कर देख रहे थे तो वो जमा हुआ था। अभी देखिए, सूर्य की गर्मी मिलने से ये बिल्कुल ऊपर का जो बर्फ का टुकड़ा था वो सारे पिघल चुके हैं। एक तरीके से पूरा पानी में परिवर्तित हो गया है। और जो रात का असर था जमने वाला वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन पानी बिल्कुल फ्रोजन लेवल का ही है, बिल्कुल ठंडा क्रिस्टल क्लियर पानी है। देखिए, पूरा नीचे तली तक का पानी दिख रहा है। और इस तरह पूजा अर्चना कंप्लीट करके हम लोगों ने भी एक एक छोटे प्लास्टिक की बर्तन लिए, छोटे छोटे डिब्बे जो मिल रहे थे, और उनको लेके पवित्र लेक का जल भरकर वापसी यात्रा शुरू करी। कुछ साधु संत देखिए बैठे हुए हैं झील के किनारे दीवालों पर, काफी चौड़ी दीवाल है। राकेश, सबका कुछ आशीर्वाद लेते हुए डालते यार। झील की परिक्रमा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वापसी यात्रा के लिए। डाल दे। साथियों, ये स्थान बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, जैसा आप खुद ही देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बार जीवन में जरूर आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही एक पंच कैलाश का ऐसा स्थान है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलते हुए भी आ सकते हैं। बाकी स्थान तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वहाँ पहुँचना काफ़ी मेहनत वाला काम है। उन सब को देखते हुए मणिमहेश कैलाश ही ऐसा कैलाश है जहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखकर एक बार प्लान बनाइए और यहाँ पर आने की कोशिश करिए। देखिए, झील के दूसरे किनारे पर हम लोग पहुँच गए हैं और
लंगर में चाय नाश्ता लेकर वापसी यात्रा हम लोगों ने चालू रखी है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, आज भी मौसम हम लोगों को बहुत ही प्यारा मौसम मिला, खुला हुआ मौसम मिला। भोले बाबा की बहुत दया है हम लोगों के ऊपर जो इतना अच्छा मौसम मिला। कल तो हम लोग जब ट्रैक कर रहे थे तो काफ़ी बादल थे, वैसे बीच बीच में धूप निकल रही थी, रोशनी अच्छी थी, लेकिन काफ़ी बादल थे। देखिए वापसी यात्रा चल रही है। ले लिया, हो गया। लोगों ने अपने गलों में पानी के बर्तन लटका रखे हैं। थोड़ा सा थोड़ा बिहारी वाले स्टाइल में खिंचाते हैं। हाँ हाँ, एकदम बांधे पूरा बढ़िया से था लाल। मैं इसके सुंदर लैंडस्केप का आइए आनंद लेते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ देखिए, आपको कोनम करके वापसी यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा लोग बता रहे हैं कि आज के दिन ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। ये जो आइटम आ रहा है ना ऊपर, देखिए ये साला भी गजब का होता ना कैमरा। हाँ, वो जो तुम सोच रहे हो ना, वो उसका आउटपुट ऐसा नहीं है। पहली हेलीकॉप्टर सेवा आज फर्स्ट फ्लाइट आनी है, ऐसा बता रहा है स्थानीय लोग। देखते हैं चल के, ये नीचे गौरी कुंड का दृश्य दिख रहा है। अभी हम लोग गौरी कुंड और लेक के रास्ते में हैं। तो देखते हैं, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है। थोड़ी देर हम लोग भी रुक गए देखने के लिए, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। जो ये देखिए हेलीकॉप्टर भरमौर से आ रहा है, सुना है भरमौर से स्टार्ट होती है, भरमौर से ये आ रहा है हेलीकॉप्टर। आज से मणि महेश सेवा में हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो गई है, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो इस कठिन रास्ते से नहीं आ सकते, हेलीकॉप्टर के द्वारा गौरी कुंड तक आ सकते हैं। उसके बाद कई मणि महेश लेक है, बहुत सर्विस है। से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई। ये सतु इस तरह हम लोगों की वापसी यात्रा चालू है।